सभी जो देशवासी हैं वो जल्द से जल्द हैं वो अपने जो आधार कार्ड को वो ऑनलाइन है वो अपडेट कराएं, नहीं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। 50 या 100 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी आपके पास ऑफर है कि आप अपना जो आधार कार्ड है वो फ्री में अपडेट करवा सकते हैं, इसके बाद आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जल्द से जल्द हैं वो अपना जो आधार कार्ड है वो लिंक करवाएं, और 14 जून से पहले पहले अपने आधार कार्ड को जल्द से जल्द है वो ऑनलाइन है वो लिंक करवाएं, नहीं तो आपको देना पड़ सकता है जुर्माना। तो जल्द से जल्द है वो अपने जो आधार कार्ड को है वो आपको देना पड़ेगा, 50 या 100 का वो जो है जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसे जो आपका आधार कार्ड है वो फ्री अपडेट हो सकता है। इस खबर को सुनने के लिए अंत तक बने रहें। जी हाँ, मैं LBNES डिजिटल टीवी से। देश के सभी आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 14 जून 2023 से पहले करवा लें अपना आधार कार्ड अपडेट, नहीं तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप अपने आधार कार्ड को 14 जून 2023 से पहले अपडेट नहीं करवाए तो आपको इसके लिए भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। चलो ये जानते हैं कि आप अपने जो आधार कार्ड को है वो ऑनलाइन अपडेट कैसे कर सकते हैं। आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए पहले आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपको होम पेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने जो मोबाइल नंबर को है वो लिंक करना होगा, जिससे कि आप जो है अपने फ़ोन नंबर को जो है वो अपडेट कर सकें। करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपडेट का वो ऑप्शन नज़र आएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पूरी डिटेल खुलकर आपके सामने आ जाएगी, जिसके बाद आपको अपनी डिटेल को वेरीफाई करना है। इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन के माध्यम से फ्री में अपडेट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि किस किस ने अपने जो आधार कार्ड को है वो ऑनलाइन है वो अपडेट करा दिया है। तमाम अपडेट्स के साथ बने रहें NES डिजिटल टीवी।